लालपेट परिसर के जमनजट्टी क्षेत्र में अभी कुछ दिनों पहले सुबह की सैर करने गए दो नागरिकों पर भालू ने हमला कर जख्मी किया था और एक बार फिर बीती रात भालू के इस परिसर में दिखाई देने से नागरिकों में दहशत निर्माण हो गई है। चंद्रपुर महानगर के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का दिखाई देना अब आम बात हो गई है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले लालपेट माता नगर जमनजट्टी दरगाह परिसर में एक भालू दिखा और भालू ने दो व्यक्तियों को जख्मी भी किया था, जिसमें सुनील गोविंद लेनगुरे तथा महादेव गुडेट्टीवार का समावेश था। और इस संबंध में उस परिसर के नागरिकों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अतिशीघ्र इस भालू के बंदोबस्त करने की मांग की, जिसमें युवापुर वार्ड प्रभाग के नगर सेवक वसंता देशमुख के साथ परिसर के राजू आखरे तथा अन्य का समावेश था। वहीं एक बार फिर सी टीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि विकास मोरेवार ने जानकारी दी कि एक बीती रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास फिर से भालू दिखाई दिया और इस मौके पर अनेक लोगों ने उस भालू को अपने आंखों से देखा। साथ ही इस दौरान यह भी दिखाई दिया कि अब अनेक नागरिक अपने घरों में से उस भालू को देख रहे थे तथा वीडियो बना रहे। साथ ही वाहन धारकों ने भी इस भालू को देखा। एक बार फिर इस परिसर में भालू दिखाई देने से नागरिकों में दहशत निर्माण हो गई है। अतिशीघ्र भालू के बंदोबस्त करने की मांग परिसर के नागरिकों द्वारा की जा रही है। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि विकास मोरेवार की रिपोर्ट।